सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आपने देखा कि मैंने किस किस तरीके से अपनी R15 V3 है मॉडिफाइड करता रहा। आपने देखा था, पहले मैंने स्प्लेंडर के अंदर लगाई थी गाइज, ग्रिल लगाई थी, इंडिकेटर ग्रिल बोलो, जाली बोलो, अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं, जो लगने के बाद में आपकी बाइक को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है, अपनी बाइक के जो इंडिकेटर होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। क्लियर मतलब आप उसको आराम से देख सकते हो। हम क्या करेंगे, इसी इंडिकेटर को मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, इसके अंदर एक ग्रिल लगाएंगे। तो ग्रिल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो ग्रिल किस तरीके की है। सो गाइज, ये है मेरे पास में R15 से लेकर FZ से लेकर यूनिवर्सल है, यामा की जितनी भी बाइक है। जब स्टार्ट हुई थी गाइज यामा की बाइक आना 2004 से लेकर अब तक 2021 में, सब में लगेगी। आगे जो बाइक आएंगी गाइज 2022, उसका मुझे पता नहीं, उसका इंडिकेटर का डिज़ाइन कैसे रहने वाला है कैसे नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास में बॉक्स है और बॉक्स तो गाइज देख पा रहे हो इंडियन बना हुआ है, ये चाइनीज़ नहीं है। आपने पहले वाली वीडियो में देखा था चाइनीज़ नहीं है, ये इंडियन है। तो इंडिया को थोड़ा सपोर्ट करो गाइज। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके अंदर है पूरा, इसको अच्छे से करा गया है ताकि इसको जो टूटना फूटना है उसका ना हो। और इसकी जो क्वालिटी है गाइस, ये देख रहे हो गाइस, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसी तरीके से गाइस, ये है ग्रिल फ्रंट वाली, ये आ जाती है गाइस हमारा बैक साइड का कवर। और लगने के बाद में भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। और इसी के साथ में मिल जाते हैं हमें इसके कुछ छोटे छोटे स्क्रू जो कि इस बॉक्स के अंदर है। तो चलो फटाफट लगाते हैं अपनी R15 V3 के अंदर, और भाई मजा आने वाला। पूरी वीडियो आखिर तक का देखिए, अगर किसी भाई को ये प्रोडक्ट बाय करना होगा, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके अंदर जो इंडिकेटर का बल्ब है वो आप लोगों को ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके अंदर ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसके अंदर हमने लगा रखे सिमटेक के LED बल्ब, जिसकी आपको वारंटी मिल जाती है, 1 ईयर की वारंटी आपको हमारे पास से मिल जाती है। और जैसे कि देख पा रहे हो, अब देखना गाइस लगने के बाद में इसका जो लुक है पूरा चेंज होने वाला है। Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition. सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमने पीछे की लगा दी और लगने के बाद में गाइस बहुत ही ज्यादा प्यारा जो लुक है वो दे रही है। तो उधर भाई लगा रहे हैं आगे वाले इंडिकेटर में। गाइस आगे से एक बार आप लुक चेकआउट कर लो, इधर का इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। और गाइस मतलब पूरी जो बाइक के कलर के साथ में जो हमारी ग्रिल है ये मैच हो चुकी है। सो गाइस, अपनी जो ग्रिल है वो पूरे से इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। और लगने के बाद में गाइस एक अल्टीमेट जो लुक है हमारी बाइक दे रही है। आगे भी लग गई, पीछे भी लग गई। और कॉमेंट करके बताइए आप लोगों को जो ये हमारी ग्रिल है इंडिकेटर वाली वो कैसी लग रही है। तो गाइस इसका एक बार एक हज़ार चेक कर लेते हैं, हज़ार पे किस तरीके से ये जो दे रही है। सो ये देख रहे हो गाइस कितनी प्यारी जो लुक है इसके अंदर आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इसके अंदर इंडिकेटर छुप गया गाइस, पूरा इंडिकेटर की जो विजिबिलिटी है वो वहीं की वहीं है। और देख पा रहे हो, ऐसा लग रहा है हमारी जो लाइट है वो छनके बाहर दिख रही हो आप लोगों को। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये छोटी सी चीज़ कितने कमाल की और आपकी बाइक को बिल्कुल ही एक डिफरेंट नेक्स्ट लेवल जो लुक है वो दे देती है। प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम चीज़ प्रीमियम साइट पे मिलती है technokhanstore.com पर। अगर किसी भाई को ये प्रोडक्ट बाय करना हो तो हमारी साइट से डायरेक्टली बाय कर सकते हो। अगर बाकी आप लोगों को काफ़ी प्रोडक्ट की इमेजेस देखनी है, वीडियोज़ देखनी है, हमारे इंस्टाग्राम लिंक पर जाके आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर भी गाइस रोज़ डेली नए नए पोस्ट डालते रहते हैं, नई नई चीज़ें वहाँ पर अपडेट होते रहते हैं। जो वीडियो हम यूट्यूब पे नहीं डालते उसका पोस्ट हम उसके ऊपर डाल देते अपने इंस्टाग्राम पे। होप करता हूँ गाइस वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय।